हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण, यह है एलजी विंग और आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये मेरा फ़ोन फूट चुका है तो कैसे फूट गया है, आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, क्या पूरी जो बात है, मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूं, 2.5 महीने से, तो ये सारी बातें आपको जानना ज़रूरी है अगर आप एलजी डिवाइस बाय करने की अभी सोच रहे हैं इस टाइम पे। तो लास्ट संडे को मेरा ये फ़ोन जो है लाइव कर रहा था मैं और स्ट्रीम के टाइम ही जो है सरफेस पे गिर गया और छत पे कंक्रीट थी तो कंक्रीट इसके एक स्पेसिफिक जगह पे जा करके लगी, तो ये यहाँ पे आप डैमेज देख सकते हो। साथ में ये अगर लाइन दिख रही है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है एक लंबी लाइन पड़ गई है जिसपे टूट चुका है। और हमने जब पता किया, बात की कि कहाँ से इसको रिपेयर कराएं, क्या कराएं, तो पहले तो रिपेयरिंग सेंटर्स नहीं मिल रहे थे, बट हमने कस्टमर केयर से बात की तो कस्टमर केयर से मुझे 2 नंबर मिले लखनऊ के, और लखनऊ में 2 सर्विस सेंटर्स हैं, बट वो बोल रहे हैं कि जैसे ही कोविड हटेगा तो फिर हम लोग जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं, बट उन्होंने अभी मुझे कॉस्ट नहीं बताई कि कितने कॉस्ट पे रिपेयर होगा, क्योंकि उनका मानना ये है कि जब तक वो सिस्टम नहीं देखेंगे तब तक वो कॉस्ट नहीं बता सकते। उसके अलावा ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये एक तो वेबसाइट है, इसने रिसर्च करवर के यहाँ पे लिख रखा है कि इंडिया के अंदर इसकी फ्रंट डिस्प्ले की कॉस्ट लगभग जो है 15,000 के आसपास आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऊपर का पूरा मैकेनिज़म है ना, तो ये पूरा विद मेटल चेंज होगा, ना कि सिर्फ डिस्प्ले। तो ऐसा, और हमने एक शॉप ओनर से बात की जो कि मध्य प्रदेश से हैं, एमपी से, तो उनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं, तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने बोला कि 23,000 रुपये लगेंगे और ये जो है डैमेज सही करने के लिए, और आपको 1-2 महीने के लिए फ़ोन देना पड़ेगा, इस तरीके से सही हो पाएगा जहाँ भी सेंटर है वहाँ पर। और तो वहाँ पे डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, बट जब यहाँ मेरी डायरेक्ट सर्विस सेंटर से बात हुई तो उनका कहना है कि हम सही कर देंगे एक बार लॉकडाउन खुल जाए, बट कॉस्ट उन्होंने नहीं बताई है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये कॉस्ट जो है अभी अटकलें हैं, बट 15 से कम तो किसी भी कीमत में नहीं होने वाली है, और 23,000 भी हो सकती है मे बी, क्योंकि ये 70,000 का सेट है। अभी आपको ऑफ़र में मिल रहा है तो मतलब कोई मतलब नहीं है उस बात का कि 30,000 का ऑफ़र में मिल गया तो इक्विपमेंट्स भी सस्ते हों। मुझे लगता है इक्विपमेंट्स का रेट वही होने वाला है जो 70,000 के हिसाब से रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर फ़ोन में कोई कमी है तो इस टाइम तक मुझे कोई कमी नहीं नज़र आई है। बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो इंटेंसिव, फिर भी कहीं भी लैग एज सच कुछ है नहीं खास, फ़ोन परफॉर्मेंस में अच्छा है, बैटरी आपकी ड्रेन नहीं होती है, 4000 mAh के कोई भी दूसरे फ़ोन के साथ कंपेयर कर सकते हो, बैटरी नॉर्मल चलती है, 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम और 1 दिन पूरा निकाल देती है नॉर्मल यूजेस पे, और डिस्प्ले क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, ओलेड है, उसकी कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं। तो फ़ोन में एज सच कोई कमी नहीं है, 30,000 के अंदर ओवरऑल एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, बट ये सर्विस वाला फैक्टर प्लीज़ ध्यान में रखें जब भी आप फ़ोन बाय कर रहे हैं, कि अगर ये गिरता है, इफ़ यू आर अ क्लमज़ी पर्सन, और ये अगर हेयर एंड देयर कहीं भी गिरता रहता है तो ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है आपके लिए। अगर ये गिर विर जाता है तो इशू आ सकता है कॉस्ट का या फिर डैमेज का, ये सब। और मेरे हाथ से 3 बार गिरा है, 2 बार इसको कुछ नहीं हुआ, कोई इशू नहीं आया, बट जो 3री बार अपने आप ये चेयर से गिर गया तो वहाँ पे यार कंक्रीट थी छत पे और वो एक स्पेसिफिक जगह पे जा करके लगी और ये फ़ोन ब्रेक हो गया वहाँ से, ग्लास इसका, अदरवाइज़ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो एज सच ऐसे वैसे गिरने में कोई एक दिक्कत नहीं होगी, बट वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके वो लगी है कंक्रीट के, जो कड़ बोल लेंगे क्या बोलेंगे उनको, वो नोक टाइप कुछ लग गई तो उस वजह से ब्रेक हो गया। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी, इन फ्यूचर अगर इसको मैं रिपेयर वगैरह कराता हूँ क्या कॉस्ट आती है, तो वो मैं चैनल पे अपने किसी लाइव सेशन पे या कहीं भी अपडेट कर दूंगा। और अगर इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी आप चाहते हैं, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, LG की वेबसाइट पर ये HDFC के 12% या 12.5% छूट के साथ मिल रहा है, तो HDFC का कार्ड अगर आप LG की वेबसाइट से जा करके बाय करते हैं इसको, तो वहाँ पे HDFC का कार्ड लगाएंगे तो 12.5% की छूट मिल रही है, कैशबैक मिल रहा है, प्लस अगर वहाँ पे अवेलेबल है आपके पिन कोड पे तो, अगर आपको बाय करना है। और पीछे वाले कैमरे के बारे में मैं बता दूँ, एक वीडियो बना रखी है मैंने, तो वहाँ से प्रोटेक्शन आप ले सकते हो या फिर अमेज़न पे जा करके सर्च कर सकते हो। पीछे का कैमरा भी थोड़ा सा फ्रजाइल है, अगर आप ऐसे रफली कहीं पे यूज़ कर देते हैं सरफेस पे तो उस पर स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं,
फ़ोन बाकी चीज़ों में अच्छा है, बट मुझे ये सर्विस वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। अभी लॉकडाउन यहाँ से लिफ्ट नहीं हुआ है, यूपी से हूँ मैं। जिस भी टाइम पीरियड पे लॉकडाउन लिफ्ट होता है फिर मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ, वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहेगा वो मैं अपने आगे आने वाले किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अगर कोई सोच रहा था इस फ़ोन को बाय करने का तो मेरा ये मानना था कि मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है। और एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपके कोई सवाल और सुझाव हैं तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लाइव में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो हर संडे को मैं शाम में लाइव आता हूँ 9-10 बजे के आसपास, तो आप लाइव सेशन मेरा ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर जा कर के। और उसके साथ ही यार बेल वेल दबा दो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द ढंग का कॉन्टेंट। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सबका ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और इसी नोट के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय।